ने सीआरपीएफ और डोसी लगाया था, दो बांस का बेम्बो लगाया था, मैंने इसीलिए बैरिकेड टूटा। ये गुंडा हिमंत बिश्व शर्मा को सबक सिखाना है। ये गुंडा जो सीएम है, ये भ्रष्टाचारी होकर पागल बन चुका है। आपको मालूम है, इसको स्कूल जाने के लिए सफल नहीं था, स्कूल का फीस निकालने के लिए ये बैलून सेल करता था पूजा का दुकान में। ये सीएम का अभी कितना टी गार्डन है आपको मालूम है, जहाँ पे भी गार्डन सेल होगा ये गार्डन चीफ मिनिस्टर का फैमिली ने खरीदता है। मोदी ने जो 12 आदमी को असम में 10 करोड़ दिया, पहला नाम किसका आया मालूम है, ये सीएम का बीबी का नाम आया। जितना टीवी चैनल असम में सेल होता है एक ही परिवार खरीदता है, जितना गार्डन असम में सेल होता है एक ही परिवार खरीदता है, जितना सिंडिकेट का पैसा 200 करोड़ उसको महीना आता है, यहाँ का मीडिया को उसने धमकी देता है, असम का मीडिया को जब तुम कांग्रेस को दिखाएगा तो तुमका एडवर्टाइजमेंट बंद कर देगा। जनता का आंख है असम का, जनता असम का नींद में रहने वाला शेर है। ये नींद में जो शेर असम का जनता सो रहा है उसको हम लोग उठाने का भी कोशिश में है। जो दिन असम का जनता नींद से उठेगा, ये सीएम को दिसपुर से हम सीएलपी लीडर हमारा टीम को लेके हम यहाँ से उखाड़ के फेंक देगा। ये असम कम्युनल पॉलिटिक्स का जगह नहीं है। हमारा शंकर देव, हमारा माधव देव, भूपेन हजारिका, ज्योति बिष्ट ने हमको सांप्रदायिक पाठदान नहीं किया था। ये भी हिमंत बिश्व असम को कम्युनलिज्म का लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं। ये असम को हम कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता का लेबोरेटरी बनाने के लिए नहीं देगा। ये हम किसी भी कीमत से ये सीएम को असम में रहने नहीं देगा। असम का जनता ने हिमंत बिश्व को सीएम नहीं बनाया, असम का जनता ने सर्वानंद सोनोवाल को वोट दिया था। महाकंस ने जैसे उग्रसेन को बांध के राजा बना, औरंगजेब जैसे शाहजहान को बांध के राजा बना, हिमंत बिश्व ने सर्वानंद सोनोवाल को सागर का किनारे बांध के यहाँ पे सीएम बन रहे। हम इसको स्वीकार नहीं करेगा, हम उससे डरने वाला नहीं है, हम आगे दिखा देगा। ये कांग्रेस आपको दिसपुर से उखाड़ के निकाल सकते हैं, रखी नारू। राहुल गांधी डांगरिया कारण जालुकबारी, हाजू, नलबारी, बरपेटा हजार हजार मानु रही आसे। आमार जात्रा इमान समय आमी हाजू पाबलगिया आसिले, आमार जात्रा एघंटा विलम्ब होइसे। नलबारी, हाजू, बरपेटा, आमार एखिनि जिखिनि राइज आसे जालुकबारी, ए राइजखिनिर प्रति सम्मान जनाय आमी एटा इयात ए जात्रा शेष कइछु। सीआरपीएफ और डोसी लगाया था, दो बांस का बेम्बो लगाया था, मैंने इसीलिए बैरिकेड टूटा। ये गुंडा हिमंत बिश्व शर्मा को सबक सिखाना है। ये गुंडा जो सीएम है ये भ्रष्टाचारी होकर पागल बन चुका है। आपको मालूम है, इसको स्कूल जाने के लिए सफल नहीं था, स्कूल का फीस निकालने के लिए ये बैलून सेल करता था पूजा का दुकान में। ये सीएम का अभी कितना टी गार्डन है आपको मालूम है, जहाँ पे भी गार्डन सेल होगा ये गार्डन चीफ मिनिस्टर का फैमिली ने खरीदता है। मोदी ने जो 12 आदमी को असम में 10 करोड़ दिया, पहला नाम किसका आया मालूम है, ये सीएम का बीबी का नाम आया। जितना टीवी चैनल असम में सेल होता है एक ही परिवार खरीदता है, जितना गार्डन असम में सेल होता है एक ही परिवार खरीदता है, जितना सिंडिकेट का पैसा 200 करोड़ उसको महीना आता है, यहाँ का मीडिया को उसने धमकी देता है, असम का मीडिया को जब तुम कांग्रेस को दिखाएगा तो तुमका एडवर्टाइजमेंट बंद कर देगा। जनता का आंख है असम का, जनता असम का नींद में रहने वाला शेर है। ये नींद में जो शेर असम का जनता सो रहा है उसको हम लोग उठाने का भी कोशिश में है। जो दिन असम का जनता नींद से उठेगा, ये सीएम को दिसपुर से हम सीएलपी लीडर हमारा टीम को लेके हम यहाँ से उखाड़ के फेंक देगा। ये असम कम्युनल पॉलिटिक्स का जगह नहीं है। हमारा शंकर देव, हमारा माधव देव, भूपेन हजारिका, ज्योति बिष्ट ने हमको सांप्रदायिक पाठदान नहीं किया था। ये भी हिमंत बिश्व असम को कम्युनलिज्म का लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं। ये असम को हम कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता का लेबोरेटरी बनाने के लिए नहीं देगा। ये हम किसी भी कीमत से ये सीएम को असम में रहने नहीं देगा। असम का जनता ने हिमंत बिश्व को सीएम नहीं बनाया, असम का जनता ने सर्वानंद सोनोवाल को वोट दिया था। महाकंस ने जैसे उग्रसेन को बांध के राजा बना, औरंगजेब जैसे शाहजहान को बांध के राजा बना, हिमंत बिश्व ने सर्वानंद सोनोवाल को सागर का किनारे बांध के यहाँ पे सीएम बन रहे। हम इसको स्वीकार नहीं करेगा,
हम उनसे डरने वाला नहीं है, हम आगे दिखा देगा कांग्रेस आपको दिसपुर से उखाड़ के निकाल सकते हैं।